मोमेंटम इन्वेस्टिंग एक्चुअली दुनिया में वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टिंग रहा है. इनफैक्ट 215 साल की प्लस हिस्ट्री है मोमेंटम में. और मोमेंटम का मतलब क्या है, पहले अपन वह समझते कि अगर मैं आपको क्रिकेट के एनालॉजी दूँ तो मोमेंटम मतलब है फॉर्म, कि क्रिकेट में जो प्लेयर फॉर्म में है वो चलते जाता है, वो स्कोर बनाते जाता है, जो प्लेयर फॉर्म में नहीं है वो प्लेयर नहीं चलता है और उसके रन भी नहीं बनते. सेम तरीके के मोमेंटम में का मतलब है कि जो स्टॉक ने हाल ही में अच्छा किया है या जिसकी रिसेंट परफॉर्मेंस अच्छी रही उसकी परफॉर्मेंस आगे भी अच्छी चलती रहेगी, और जो स्टॉक ने अच्छा नहीं किया है उसकी और अंडर परफॉर्मेंस दी है या खराब नेगेटिव परफॉर्मेंस दी है उसकी अंडर परफॉर्मेंस और नेगेटिव परफॉर्मेंस भी शॉर्ट टर्म में चलती रहेगी. तो इसको सिंपल टर्म्स में इसको मोमेंटम बोलते हैं. जो चल रहा है वो चलेगा, जो नहीं चल रहा है नहीं चलेगा. और मोमेंटम इन्वेस्टिंग का फंडा ये है कि आप पोर्टफोलियो में जो प्लेयर चल रहा है, जो स्टॉक चल रहा है उसको वो डालते जाओ और जो नहीं चल रहा है उसको काटते जाओ फटफट का, यू कट योर लूजर्स फास्ट. सो बाय एंड लार्ज जो मोमेंटम स्ट्रेटजी का कॉन्स्ट्रक्ट होता है वो ऐसा होता है कि यू होल्ड ऑन, यू बाय विनर्स, लेट योर विनर्स रन. इफ द विनर्स दैट यू हैव बॉट टर्न इन टू लूजर्स देन यू कट देम एंड गेट आउट. और ये स्ट्रेटजी ने एक्चुअली ग्लोबली बहुत पैसा बनाया है. तो इनफैक्ट ग्लोबली MSCI करके एक इंडेक्स है, वो MSCI का दो इंडेक्स है, एक वर्ल्ड इंडेक्स है और एक मोमेंटम इंडेक्स है. मोमेंटम इंडेक्स में 1994 में पैसा डाला होता तो 20 गुना पैसा हो गया. वर्ल्ड इंडेक्स में खाली 10x पैसा बना है. ये देखिए, ये मोमेंटम, ये जो ग्रीन लाइन है ये वर्ल्ड इंडेक्स है, इसमें 20 गुना पैसा हो गया, और वर्ल्ड इंडेक्स है उसमें केवल 10 गुना पैसा हो गया. सो आई थिंक, और ये जो एविडेंस, ये वर्ल्ड के स्टॉक्स हैं, ये सारे वर्ल्ड के स्टॉक्स हैं. और सो ये जो ब्लू है ये वर्ल्ड के स्टॉक्स है और ग्रीन है वो जिसमें मोमेंटम है. अभी ये सेम फंडा है ना इंडिया में भी काम करता है. तो इंडिया में आप देखोगे तो ये निफ्टी 500 और निफ्टी 50 का 12-12.5% रिटर्न है, बल्कि जो इंडिया में दो मोमेंटम इंडेक्स है उसका 18% और 21% का रिटर्न है. तो आप देखो दिस इज ऑलमोस्ट बिटवीन 6-9% अल्फा, और ये कंपाउंडेड हो रहा है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. आप इसके चार्ट देखोगे तो ये देखो, ये जो ब्लू वाला है ये निफ्टी 150, मिड कैप 150, मोमेंटम 50 है, और ये जो ऑरेंज और ग्रे है ये निफ्टी 50 और 500 है. तो यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन द टू. ये दिस इज ऑलमोस्ट 10-11x, दैट इज 32 टाइम्स. 10 गुना इसमें पैसा हुआ है, 10-11 गुना पैसा हुआ है, उधर 32 गुना पैसा हुआ है. तो आई थिंक ये है पावर मोमेंटम इन्वेस्टिंग का. अभी लोग अक्सर समझ नहीं पाते कि मोमेंटम कैसे आइडेंटिफाई करना है. तो मोमेंटम आइडेंटिफाई करने के दो तरीके, इसको हम बोलते हैं टाइम सीरीज मोमेंटम और एक कहते हैं हम क्रॉस सेक्शनल मोमेंटम. ओके, सो अगर मैं आपको ये दिखाता हूँ कि टाइम सीरीज और क्रॉस सेक्शनल में फर्क है, एंड लेट्स गो टू क्रिकेट एज एन एंगल, कि जो प्लेयर एक मैच में आउटस्टैंडिंग करता है, फ्रंट पेज पे आ जाता है, उसकी एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया थी, वो ब्रेकआउट प्लेयर था, जैसे रिंकू सिंह था हाल ही में, उसने KKR के लिए 5 बॉल में 5 छक्के मारे, हेडलाइन हो गया रिंकू सिंह का हवा चल गया, ये एब्सोल्यूट मोमेंटम हो गया, टाइम सीरीज मोमेंटम हो गया. आपके ट्रेडर इसको ब्रेकआउट ट्रेडिंग मानते हैं कि भाई कोई स्टॉक में ब्रेकआउट आ गया, बड़ी मूव आ गई, बड़ी कैंडल बन गई, ये ब्रेकआउट ट्रेडिंग. तो ये मोमेंटम, बट ये सिर्फ एक तरीका है मोमेंटम इन्वेस्ट. ओके, तो ब्रेकआउट सिर्फ एक तरीका है. एक तरीका है. दूसरा तरीका है, अभी तक तो लोग सिर्फ ब्रेकआउट को ही मोमेंटम समझते हैं. हाँ, बट वो एज आई सेड वो सिर्फ 50% ऑफ द स्टोरी. द रिमेनिंग 50% है कि भाई आपको क्रॉस सेक्शनल मोमेंटम यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ भी देखना है. तो उसमें आप क्या देखते हो, आप ये देखते हो कि जो जैसे आपके टेबल जो होते हैं ना, ऑरेंज कैप का टेबल, पर्पल कैप का टेबल, कि सारे प्लेयर में सबसे ज्यादा रन किसने बनाए, सारे प्लेयर में सबसे ज्यादा विकेट. मतलब उस दिन तो रिंकू सिंह ऊपर था, बट क्या उसके पास ऑरेंज कैप भी है या नहीं है? करेक्ट. ओके, और या उसके पास अगर कोई बॉलर होता तो उसके पास पर्पल कैप है या नहीं? हाँ, उस दिन 5 विकेट लिए, उससे फर्क नहीं पड़ता. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. तो आप देखोगे तो शार्दुल ठाकुर ने पहली मैच में खेला, वो खाली एक ही मैच में खेला, बट फिर बाद में खेला ही नहीं, बैटिंग ही नहीं की उसने. तो उसमें एब्सोल्यूट मोमेंटम एक मैच का था, बट रिलेटिव मोमेंटम था ही नहीं, जो क्रॉस सेक्शनल मोमेंटम जिसे हम कहते हैं. तो ट्रू मोमेंटम इन्वेस्टिंग में दोनों देखना है, ट्रेडिंग में आपको दोनों देखना है. दोनों का जब कॉम्बिनेशन आता है, क्रॉस सेक्शनल और एब्सोल्यूट का, तब रियली मजेदार परफॉर्मेंस निकलती है. एंड एक एग्जांपल अगर मैं लेता हूं आपको, जस्ट टू शो कि टिपिकली
जर्नी क्या होती है मोमेंटम स्टॉक की। तो ये ऑर्डिनरीली ये ब्रेकआउट लाइन है, कोई ट्रेडर देखता है कि 52 की हाई रेजिस्टेंस भी लग गया हो, देख गया। तो यहाँ पे ये अल्काइल अमाइन का स्टॉक है मार्च 2020 से, इसमें ब्रेकआउट तो था ही, बट अगर आप इसका क्रॉस सेक्शनल मोमेंटम देखोगे तो निफ्टी के 500 स्टॉक में अल्काइल अमाइन का रैंक नंबर 5 था। ओके। और ये रैंक कैलकुलेट होता है एक नॉर्मलाइज जेड स्कोर करके मेथोडोलॉजी से। ये दो, आप देखो दोनों का जब कॉम्बिनेशन आया 52 वीक ब्रेकआउट एंड स्ट्रॉन्ग रिलेटिव स्ट्रेंथ हाई रैंक पांचवा रैंक, तो 800 रुपए वाला 4800 हो गया इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ 1.5 ईयर्स, यानी 500% ऑलमोस्ट रिटर्न इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ 1.5-2 ईयर। तो मोमेंटम का जो तीन पिलर है वो बहुत सिंपल है, आपको बॉटम नहीं लेना है, आपको टॉप नहीं बेचना है, आपको बीच का जो ट्रेंड है ना उसको राइड करना है। तो ये तीन पिलर है, यू आर नॉट ट्राइंग टू कैच द बॉटम्स, यू आर नॉट ट्राइंग टू कैच द टॉप, यू आर जस्ट ट्राइंग टू राइड द ट्रेंड। दिस ये है प्रिंसिपल मोमेंटम ट्रेडिंग का, मोमेंटम इन्वेस्टिंग का। जिसको भी मोमेंटम करना है उसको ये तीन प्रिंसिपल रख के दोनों क्रॉस सेक्शनल मोमेंटम टाइम सीरीज मोमेंटम को कंबाइन करके स्ट्रेटजी बनानी है और ट्रेडिंग करनी है। सो ये तो इन्वेस्टिंग के लिए समझ आया, ट्रेडिंग के लिए टाइम फ्रेम छोटा हो जाएगा। यस। सो जो जेड स्कोर नॉर्मलाइज्ड होता है इन्वेस्टमेंट में दो टाइम फ्रेम यूज होते हैं, एक 6 महीने का एक 12 महीने का। राइट। तो वो उसका फिर एवरेज निकलता है और उसके बेसिस पे रैंकिंग होती है। आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपका टाइम फ्रेम छोटा ले लो, यू डोंट नीड टू वेट फॉर अ 52 वीक हाई, आप 2 मंथ हाई ले सकते हो, या अगर आप बहुत छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो तो आप 5 डे का ब्रेकआउट्स भी आई हैव सीन पीपल ट्रेडिंग। ओके। तो वो भी आप कर सकते हो, एंड तब आप जब रिलेटिव स्ट्रेंथ भी कैलकुलेट करते हो तब आप छोटे टाइम फ्रेम पे करो, 1 महीने के टाइम फ्रेम पे कर लो या 1 हफ्ते का टाइम फ्रेम पे कर लो, वो भी आप कर सकते हो। ये तो मेरे हिसाब से कुछ एडवांस ट्रेडर्स के लिए हो गया, जब हम रिटेलर्स की बात करते हैं, आज एक आम आदमी इस वीडियो को देख रहे हैं उसे ये तो समझ आ गया कि भाई मोमेंटम ट्रेडिंग में पैसा बनेगा। तो एक आम आदमी वो है सर जो हो सकता है ट्रेडिंग बहुत एडवांस लेवल पे ना जानता हो, वो कुछ पैसा हर महीने लगाना चाहता है, SIP करना चाहता है, तो वो इसमें कैसे बेनिफिट लेगा? सो देखो जी, पहले एज आई सेड मोमेंटम इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के लिए आपको क्या क्या चाहिए, आपको चाहिए स्कैनर्स चाहिए, आपको सारे ये सब रैंकिंग के मटेरियल चाहिए, आपको ब्रेकआउट को मैप करने के लिए सारे ट्रिगर, सो यू नीड अ होल लॉट ऑफ। तो आपने सही कहा कि एडवांस ट्रेडर के लिए ये बहुत ही प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी हो सकती है और इसमें अच्छा रिटर्न बन सकता है, बट अगर कोई नॉर्मल बंदा है जिसके पास टाइम नहीं है ये सब करने के लिए तो वो म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकता है। तो म्यूचुअल फंड में भी दो ऑप्शन है, क्योंकि अभी मैंने म्यूचुअल फंड से रिटर्न देखी तो उसने निफ्टी को बहुत तगड़ा आउट परफॉर्म किया। परफेक्ट। तो इसमें एक आप पैसिव फंड कर लो, तो ये दो ऑप्शन थे पैसिव फंड के, मिड कैप 150 मोमेंटम 50 के और निफ्टी 200 मोमेंटम 30 के, या तो फिर जो आप एक्टिव कर लो। तो एट सैमको हमने इंडिया का पहला सैमको एक्टिव मोमेंटम फंड करके बनाया है, ये हम एक्टिव मैनेजमेंट, ये जो सब हम आपको दिखाया है ये सब हम बैकएंड में कर रहे हैं ऑन एन एक्टिव बेसिस विद रियल टाइम एम कि भाई हम जो निफ्टी के मोमेंटम इंडाइसेस है उससे भी ज़्यादा रिटर्न कमाने की कोशिश कर रहे हैं बाय वर्चू ऑफ एक्टिव मैनेजमेंट। और एक्टिव मैनेजमेंट के कई सारे एडवांटेजेस है। तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर किसी कोई भी नॉर्मल इन्वेस्टर या तो ये इस टाइप के फंड में पैसा लमसम डाल दे या तो SIP भी सेटअप कर लो। और SIP में भी ओवर अगर आप लंबे पीरियड के लिए SIP करते हो 5, 10, 15, 20, 30 साल के लिए, तो ये जो कंपाउंडिंग का बेनिफिट है उसके कारण आउटकम बहुत ही अलग हो जाता है, यू नो। तो दैट इज समथिंग दैट यू शुड कंसीडर। दिखा भी सकते हो, ये आप एक डेमोंस्ट्रेट करके दिखा सकते हो कि कितना फर्क आएगा एक नॉर्मल SIP में और एक मोमेंटम SIP में। सो ये आप समझो एक नॉर्मल SIP है, 10,000 रुपए की SIP है आपने 30 साल के लिए की, ये 12% रिटर्न जो निफ्टी का मोटा मोटी सिंस इंसेप्शन रहा है आपने वो लिया, तो आपका 36 लाख इन्वेस्टेड होता है और वो 36 लाख बन जाता है 3 करोड़ 76 लाख, 3 करोड़ 76 लाख, विद अ प्रॉफिट ऑफ 3 करोड़ 40 लाख। अभी मैं इसको एक्सपेक्टेड रिटर्न को चेंज करता हूँ टू 20% जो मोमेंटम में, मोमेंटम में पहले आया हुआ है जो मिड कैप 150 में मैंने आपको दिया, ये 36 लाख रुपया बन जाता है 26 करोड़। आप फर्क देखो 26 करोड़ में और 3 करोड़ 3.76 करोड़ में, ऑलमोस्ट 10-12x का फर्क है। तो आप रिटर्न में देखोगे तो अरे सिर्फ 12 और 20% का फर्क दिखता है, बट हर साल जो 8% कंपाउंडिंग है उसमें एब्सोल्यूट प्रॉफिट सिर्फ 900% था, ये यहाँ पे 7,000% हो जाता है। तो अल्टीमेटली इफ यू कैन जनरेट अल्फा यूजिंग मोमेंटम और आप वो अल्फा आपके पोर्टफोलियो में डालते हो आइदर बाय वे ऑफ अ लमसम और एन SIP,
तो देर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू क्रिएट मैसिव मैसिव वेल्थ. सो ये एक्चुअली एडवांटेज है SIPB का भी और मोमेंटम टाइप की स्ट्रेटजीज में अगर आप उसको टाइम देते हो तो. एंड आइडियली एज आई सेड आप या तो पैसिव फंड करो या अगर आप एक्टिव करना चाहते हो तो जैसे मैंने बताया कि हम सैमको एक्टिव मोमेंटम फंड, ये जो इंडिया का पहला और सिर्फ एक ही एक्टिव मोमेंटम फंड है, पूरे इंडिया में और कोई एक्टिव मोमेंटम फंड नहीं है, वो हम एक NFO है फ्रॉम 15th of June. अच्छा NFO आ रहा है. हाँ ये NFO आ रहा है, 15 जून से खुल रहा है, 29 जून तक चलेगा. आप वो NFO पीरियड में आप लमसम कर सकते हो, SIP भी रजिस्टर कर सकते हो. इम्पॉर्टेंट टू नोट कि ये NFO पीरियड के बाद हम लमसम इन्वेस्टमेंट्स नहीं लेंगे. अच्छा तो जो SIP रजिस्ट्रेशन होगी वो चलती रहेगी. क्या डेट है इसकी लमसम की लास्ट? 29 जून विल बी द लास्ट डेट. उसके बाद लमसम नहीं कर सकते? नहीं, उसके बाद लमसम आप नहीं कर पाओगे. तो ये ध्यान, खास ध्यान रखना है. तो आई थिंक दिस इज फॉर यू टू, अगर आप मोमेंटम प्ले करना चाहते हो और खुद नहीं कर सकते तो दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू प्ले. एंड यू नो इफ यू लाइक टू इन्वेस्ट यू कैन गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जहाँ पे आपको लिंक मिलेंगी, आप पिंड कमेंट में देख सकते हो जहाँ पे आपको लिंक मिलेगी. एंड यू कैन इन्वेस्ट योर मनी इन सैमको एक्टिव मोमेंटम फंड. सैमको एक्टिव मोमेंटम फंड, सैमको. क्योंकि अभी मैं जो आपका ये ग्राफ देख रहा था तो मेरा खुद का मन कर गया कि मतलब एक SIP तो इसके अंदर मिनिमम होनी ही चाहिए. कि मोमेंटम फंड्स के अंदर आप पैसा लगा सकते हो और ये एक्टिव मोमेंटम फंड है तो, क्योंकि एक आम आदमी ये सब कुछ कैलकुलेट खुद तो कर नहीं सकता. तो अगर वो मोमेंटम के हिसाब से पैसा बनाना चाहता है, इट इज अ ग्रेट वे टू बिल्ड वेल्थ आई गेस. एब्सोल्युटली. नहीं, इनफैक्ट मैं आप सबको भी ये रिकमेंड करूंगा कि आपकी देखो इन्वेस्टमेंट तो होनी चाहिए मार्केट्स में, और कुछ ऐसा है जो आपको एक अल्फा दे सकता है. अल्फा मतलब कि आप निफ्टी को आउट परफॉर्म कर सकते हो. करेक्ट. तो अगर आप निफ्टी को आउट परफॉर्म करें तो फिर इससे बढ़िया तो कुछ हो नहीं सकता. सो आई गेस लोगों को काफ़ी हद तक असर मोमेंटम इन्वेस्टिंग समझ आ गया होगा. एंड मोमेंटम पे ट्रेड तो सर ब्रेकआउट ट्रेडिंग के ऊपर हम काफ़ी बात कर चुके हैं, तो ब्रेकआउट्स में लोगों को पता है कि पैसा बनता है. बट लॉन्ग टर्म में जो एक्चुअल में वेल्थ बनेगी, जो इन्वेस्टिंग से कंपाउंडिंग से बनेगी, वो भी आज आपने समझा है. सो आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आया होगा. अभी हम सर को बुलाते रहेंगे क्योंकि इनके पास नॉलेज का खजाना है. और अगर आप चाहते हैं कि हम सर को दोबारा बुलाएं तो आप कमेंट में लिखेगा कि सर को दोबारा बुलाइए. एंड विल डेफिनेटली शो द कमेंट्स टू हिम. एंड अपना प्यार देने के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. अगर आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना है और आपको इन्वेस्ट करना है, SIP शुरू करना है, तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में भी आपको लिंक मिल जाएगा. सो यू कैन स्टार्ट योर SIP टुडे. विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल दैट आई एम यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद.